सबसे पहली बार 10 नवंबर 2016 को पकड़ा था, पकड़ाई किया था, पहली बार देखा था, और आज शायद ये आखिरी बार है जब मैं इस नोट को देख रही हूँ, क्योंकि ये 2000 के जो नोट हैं ये सर्कुलेशन होने वाले हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये मान्य नहीं होंगे। आप इन नोटों को जाकर अभी भी इनसे सामान खरीद सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अभी भी लीगल टेंडर है। कोई भी इन नोटों का इस्तेमाल करने से आपको मना नहीं कर सकता है, लेकिन सितंबर तक का समय आपको दिया गया है जब आप इन नोटों को लेकर बैंक में जमा करवा सकते हैं, या इन नोटों के बदले आप 500 और 100 रुपए की गड्डी ले सकते हैं। तो लेकिन इसमें शर्त बस इतनी है कि ये जो 2000 के नोट है एक समय में आप केवल 10 ही ले जा सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए ही एक बार में आप बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट है और आपके पास 2000 के नोट के कैश हैं, तो उनको आप जाकर अपने बैंक अकाउंट में कितनी भी राशि, जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके हिसाब से जमा करा सकते हैं। उस पर 20,000 रुपए का कैपिंग नहीं है। अब कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, नोटबंदी के दौरान लंबी लंबी लाइनें इस राजधानी ने भी देखी है। अब ये नोट जो मैंने आपसे उधार लिया था, पहले तो मैं वापस आपको कर दूं। अब ये बताइए, जब ये फैसला आया है कि 2000 का नोट जो है अब सर्कुलेशन से बाहर रहेगा, आपको कितना फर्क पड़ा? वैसा डर लगा जैसे 8 नवंबर को लगा था? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मली आम जनता के पास तो इस तरह का नोट है ही नहीं है। मेरे पास भी केवल एक ही यही नोट है, जिसके लिए मुझे 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आम जनमानस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई पैनिक की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है? वो दौर तो याद ही होगा जब लोगों ने लाइन लगाई थी, वैसा कुछ लग रहा है? नहीं मैडम, कुछ नहीं लग रहा। और क्या ये कारण बताया जा रहा है कि इसको माना जा रहा है कि इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिन्होंने कैश क्योंकि आउट ऑफ सर्कुलेशन रखे हैं मार्केट से काफी समय से। आपने कब देखा था आखिरी बार 2000 का? काफी दिन हो गए मैडम, 6 महीने पहले। अभी भी आपके पास तो है? नहीं मैडम, अभी नहीं है। तो 6 महीने आपको भी हो गए हैं, तो इतने बड़े नोट का इस्तेमाल होता नहीं है या दिखते नहीं है मार्केट में? दिखते नहीं है मैडम मार्केट में, एटीएम से भी निकलते, बैंक से भी बड़ी मुश्किल मिलते हैं। हाँ। सर, आपके साथ ये हुआ एक्सपीरियंस कि कभी एटीएम गए हो और 2000 से ज्यादा रुपए निकाले हो? नोट आए हैं 2000 के? नहीं आए हैं। आपको मार्केट सर्कुलेशन में नोट दिखे? नहीं दिखे। आपने कब आखिरी बार इस्तेमाल किया था 2000 का नोट? करीब 6 महीने के करीब, 6 महीने हो गए तकरीबन। तो ये जब फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से कि ये नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर रहेंगे, इसका कितना फर्क पड़ा आपको? आपको लगा पैनिक वाली सिचुएशन है? नहीं मैम, पैनिक वाली बहुत बड़ी और अच्छा लगा। हाँ। कि कम से कम पूंजीपतियों के पास जो पैसा दबा हुआ रखा है। हाँ। वो कम से कम उनको घबराहट हुई होगी, लेकिन आम आदमी को घबराहट नहीं हुई है। हम लोगों को घबराहट नहीं हुई है। हाँ। और खुशी हुई है कि भाई ये सम्मान करते हैं ऐसे, अगर इस तरीके से 2000 के नोट को किया है तो एक हम लोगों के पास 2000 का नोट कहाँ होता है? बड़े लोगों के पास होता है, और बड़े लोगों को जो ज्यादातर कैश का जो दुरुपयोग करते हैं उनके पास वो होगा। तो माना जाए इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक है ये भी, जिन जो कैश में डीलिंग करते हैं और जो इतने बड़े नोट रख पाते हैं उन लोगों को ही दिक्कत होने वाली है, आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी? जैसा कि देखा जाए इससे आम लोगों को तो कोई परेशानी होनी नहीं है। ये सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए जो लोग कैश में कुछ ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे अरबपति लोग हैं, उन सबके लिए इसमें ज्यादा परेशानी होगी। कैश में तो ब्लैक वाले ही काम करते हैं ज्यादातर, वरना तो जीएसटी वीएसटी सब कार्ड वार्ड से ही हो जाता है। वो तो बात है मैम, लेकिन उसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे देखा जाए जैसे आम जनता जो भी है, जैसे हम लोग ही है, जैसे 4 से 6 महीने हो गए हम लोगों 2000 का नोट देखे हुए, यूज किए हुए यहाँ तक की। अच्छा। या तो हम लोग एटीएम में भी जाते हैं अगर निकालने के लिए तो 500 के नोट ज्यादातर आते हैं। 2000 का नोट तो देखे भी काफी टाइम हो गया। अब जैसे कि अब जैसा भी निर्णय लिया है कि 30 सितंबर तक की डेट दी है, जो भी चेंज होगा तो जो आम जनता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है? सरकार ने बड़े प्लानिंग तरीके से पिछले 1-1.5 साल से इस नोट को, मतलब जो आया उसको रख लिया और फिर बाद में दिया ही नहीं, तो मुझे लगता है ये सब प्लानिंग के तरीके से ही हुआ है। अच्छा, ये भी बताया, मतलब ये भी जानकारी दी गई है कि 2019 से असल में नए नोट आ ही नहीं रहे हैं, तो ये जो नोट अभी मार्केट में सर्कुलेटेड है और आम लोगों के बीच है ही नहीं, जैसा आप लोगों से बात करके पता चल रहा है, उन्हीं को वापस करना है। सर, आपने जब ये सुना तो 8 नवंबर की याद आई, लगा कि लंबी लंबी लाइनें लगेगी या ठीक है वैसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा, क्योंकि 2000 के नोट अभी मार्केट में इतने हैं नहीं, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन किया है। हाँ। तब से मतलब लोग कैश फ्लो कम हो रहा है मार्केट के अंदर। हाँ। तो वैसे भी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो सारे यूपीआई पेमेंट्स और उनके थ्रू होता है। हाँ। तो अभी मतलब ऐसे नोट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। लोगों को, और 2000 के नोट आप बोल रहे हो कि मार्केट में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़े नोट हैं ये। हाँ। तो वैसे भी मार्केट के अंदर बहुत कम नोट बचे हैं, क्योंकि जरूरत की जो चीज़ें होती हैं
वो लोग खरीद रहे हैं वो सब अपना डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं हाँ। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो इस हाँ। चीज को लेकर के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले जो नोटबंदी हुई थी वैसा कोई भी असर नहीं आएगा, 1% भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको कहा जा रहा है इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक। ये उन लोगों के पास जिन्होंने कैश दबा के रखा हुआ है, बताया जा रहा है मार्केट में ही सर्कुलेट नहीं हो रहा था नोट, इस वजह से भी ये कारण है कि इसको धीरे धीरे आउट ऑफ सर्कुलेशन किया जा रहा है। आप सहमत है इस टर्म से, इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक से? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर जो दबा के रखे हुए हैं हाँ। तो आप बिल्कुल मान सकते हैं उसको इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग जो हमें मिल रहे हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं एक और शख्स से बात करूंगी, मैं इनसे पहले भी क्योंकि बात कर चुकी हूँ। सर आखिरी बार कब देखा था 2000 का नोट? काफी टाइम हो गया था। कितना टाइम हो गया होगा? तकरीबन करीब साल डेढ़ साल से ऊपर हो गया। अच्छा, तो जब ये बात सामने आई कल जब आरबीआई की तरफ से ये कहा गया कि भाई अब ये नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर जाएंगे, वो अवैध नहीं हो रहे हैं पर अभी नए नोट नहीं आएंगे, तो झटका लगा, कुछ फील हुआ कि लगा कि हमारे पास तो है ही नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। लग रहा है आपको कि लाइनें जैसे पहले लगती थी वैसी लगेंगी लाइनें इस बार भी? लगेंगे, लाइन लगेंगे, जब एकदम से बंद हो जाएगा तो फिर तो लाइन तो चालू हो जाएगी। अभी तो सितंबर तक का टाइम है तो कम चांस है। कम चांस है। तो ठीक है, देखिए लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सर आपसे भी ये सवाल पूछा तो मैं भूली गई कि ये बताइए कि अब आपने कब इस्तेमाल किया था आखिरी बार 2000 का नोट? मैंने तो एक साल पहले किया था। एक साल पहले हाँ। तो क्या मतलब क्या दिक्कत है, ये नोट कैसे नहीं मिल रही है? बाजार में नहीं मिलते हैं या जब आप आमतौर पर एटीएम वगैरह का इस्तेमाल करें, या फिर इतने बड़े में आपकी ट्रांजेक्शन ही नहीं होती कि कोई 2000 रुपए आपको अपनी शॉपिंग पे वापस करे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बाजार में बिल्कुल कम हो गए थे हाँ। और आपने बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया अभी, इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो वैसे भी स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करने में मतलब चैंपियन है और बहुत अच्छा ये मतलब स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक ही मैं तो बोलूंगा हाँ। कि जो मोदी जी ने मतलब ये स्टैंड लिया है और ये आप देखना कि आने वाले जो इलेक्शन भी होंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देश हाँ। के लिए, इनमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज का। तो इलेक्शंस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी यहाँ पर लोग कह रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर तमाम वो लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिनके 2000 रुपए जैसे ट्रांजेक्शन नहीं होते, उसका भी एक बड़ा एक कारण है, मैं आपको बताऊं। देखिए ज्यादातर लोग जो हैं जब से यूपीआई इंट्रोड्यूस हुए हैं, जब से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है और जिनके हर रोज के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, यानी कि जो बिजनेसेस में नहीं है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो अपने कैश को इसमें रखते हैं, अपने फोन में रखते हैं, उनको कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं होती। और यही एक कारण है कि लोगों से जब हम पूछ रहे हैं कि वॉलेट में कोई 2000 का नोट है तो लोगों के पास वो भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, नोट देखा ही नहीं है। कैश रखने का ट्रेंड वैसे भी आप बात करें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में कम हो गया, क्योंकि हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल होता है, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आम लोग जो हैं, दिल्ली के जो आम लोग हैं, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इससे कोई फर्क आम आदमी पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अचानक से नोट को बंद नहीं किया गया है। 8 नवंबर के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो इस वजह से देखने को मिली थी कि बता दिया गया था कि आज से ये नोट वैध नहीं रहे, लेकिन 2000 के नोट में ये नहीं कहा गया है, ये लीगल टेंडर है। 2000 के रुपयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको बदलवा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। इसके लिए आपको 23 मई से 30 सितंबर तक का समय मिला है। सभी बैंक्स इन नोटों को लेंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे, इनको जमा करेंगे। अगर आपको इनको एक्सचेंज कराना है तो 20,000 रुपए की एक दिन में लिमिट है, यानी कि 2000 के तकरीबन 10 नोट आप एक दिन में एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट में जमा कराने हैं तो उसके लिए वही रूल लागू होंगे जो नॉर्मली होते हैं। जितना कैश आप नॉर्मल दिनों में जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, उतना ही आप 2000 के नोटों के साथ भी कर सकते हैं। उस पर कोई किसी तरीके की कोई लाइन नहीं है और जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि आम लोगों का कहना है कि आम लोगों के पास तो ये पैसे होते ही नहीं है, मार्केट में ये पैसे नहीं दिखते, एटीएम से भी जब वो निकालते हैं तो 500-500 के नोट आते हैं, ऐसे में उनके पास नोट है ही नहीं। तो नोट उन्हीं के पास है जो कैश में, बड़ी कैश में डीलिंग करते हैं, और ऐसे में अगर वो दबाकर बैठे हैं तो ये किसी इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है।